इब्रानियों के नाम पत्री आठवां अध्याय। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है।